हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से। एक्चुअली अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, बट मॉर्निंग में 5:30 उठ गई थी और उसके बाद फिर मैंने अपने किचन की जो भी क्लीनिंग थी वो सारी करी। और किचन इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी, उसमें मुझे कम से कम 2-2.5 घंटे लग गए क्लीन करने में। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी गंदगी हो रही थी और मुझे कितनी मुश्किल हुई उसे क्लीन करने में। देन इसके बाद फिर मेरे थोड़े बहुत बॉक्सेस रह गए हैं जो मुझे ओपन करने हैं फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह के, तो वो मुझे निकालने हैं बिकॉज नीचे एकदम खाली हो जाएगा तो क्लीनिंग वगैरह करने में इजी रहेगा नीचे। क्योंकि यहाँ पर क्लीनिंग नहीं हुई है नीचे फर्श पर बिल्कुल भी, जब से हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं 3-4 दिन हो गए हैं, तो थोड़ा नीचे धूल वगैरह ज़्यादा होती है, तो वही सब बस क्लीनिंग करने में ईजी रहेगा। और उसके बाद जो भी मेरा रेस्ट ऑफ काम होगा वो मैं कंप्लीट करूँगी, देखूँगी अगर आज हो पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर कल करूँगी। बाकी छोटे मोटे काम जो हैं वो तो होते ही रहेंगे, उसमें तो भी काफ़ी टाइम लग जाएगा बिकॉज़ कर्टन्स अभी मुझे देखती हूँ लेकर आऊँगी, या अपने जो पुराने वाले हैं वो लगाऊँगी। उसके बाद फिर एक दो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट की होंगी वो भी मुझे अभी ऑनलाइन मंगानी है, कुछ मैंने ऑर्डर कर दी है, कुछ मुझे अभी ऑर्डर करनी है, जो भी अभी माइंड में आता जाएगा वो सब फिर मैं आगे करती रहूँगी। तो ये फर्श है स्लैब जहाँ पर हम लोग गैस वगैरह रखते हैं, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये पूरी चिकनाई इस पर जमी हुई थी, और आधे से ज़्यादा मैं निकाल के साफ़ कर चुकी हूँ, अभी ये बाकी है। सेम चीज़ जो ये जो नीचे आपको दिख रहा है गैस के नीचे, यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम था, पूरा जो ये ग्रीन मार्बल है ये तो दिख ही नहीं रहा था, पूरे में एकदम वाइट वाइट हो रखा था, ये भी मैंने सारा अभी क्लीन किया है बड़ी मुश्किल से। सेम एज़ नीचे सिंक के नीचे सेम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, टैब वगैरह पूरा गंदा हो रखा था, और जो टाइल्स वगैरह हैं इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी थी। नीचे फर्श पूरा मैंने ये हार्पिक वगैरह लगा के क्लीन किया, उसके बाद देन उसके बाद जो विंडो होती है पूरी विंडो का जो नेट था, ये जाली जो लगी हुई है सारी ब्लॉक हो रखी थी, प्लस सारी विंडो पे साइड में ये पूरी तरीके से चिकनाई जमी हुई थी। तो ये मेरे से जितना हद तक क्लीनिंग हुआ उतना मैंने किया बिकॉज बहुत ज़्यादा चिकनाई थी और ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला अभी पापा से कि एक बार दोबारा शायद हम लोग पेंट करेंगे। देन उसके बाद पूरे स्लिप में ये इतनी गंदगी थी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने ये निकाली है। तो ये इतना मैंने निकाला है पूरा चाकू से साफ़ करके, बिकॉज़ ये निकल ही नहीं रहा था किसी भी तरीके से, तो इतना गंदा ये पूरा स्लैब हो रखा था और इस पर काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसके बाद सेम हालत स्विच बोर्ड्स की थी, तो यहाँ पर मैंने कोलगेट लगा के छोड़ दिया था थोड़ी देर पहले। एक्चुअली मैंने एक हैक देखा था कि कोलगेट से ये क्लीन हो जाता है, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, तो मैंने ट्राई किया और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला। तो अगर आपके भी स्विच बोर्ड्स बिल्कुल गंदे पड़े हैं तो कोलगेट का आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा हैक है और ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो ये अच्छे से क्लीन हो गया था, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको कैसे कितना ये क्लीन हुआ है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं पोलियो पिलाने के लिए बिकॉज हम भूल गए थे और अभी हमें याद आया है, तो अभी टाइम है पोलियो पिलाने का। तो अभी जयवर्धन को पोलियो पिलाना है और जो मेरी देवरानी का बेटा है उसको भी पोलियो पिलाना है, तो हम लोग फटाफट से निकल रहे हैं और फटाफट से वापस आ जाएंगे। अगेन हम लोग वापस आ गए हैं और हम लोगों को पोलियो पिलाने के लिए याद आया 4 बजे, मतलब बिल्कुल 4 बजने ही वाले थे, थोड़ा सा टाइम बचा था और हम लोग भूल गए थे, और 4 बजे तक ही वो ड्रॉप्स पिलाई जा रही थी तो दिमाग से एकदम निकल गया, तो हम लोग पोलियो वगैरह पिला के आ गए हैं। और अभी आज मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं मॉर्निंग से, कि मेरा सोफ़ा आ गया है ऊपर बिकॉज मेरा ब्रदर लॉ घर पे था, तो उससे मैंने काफ़ी हेल्प ले ली, सोफ़ा ऊपर आ गया है, ट्रॉली ऊपर आ गई है, जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने ऊपर रखवा दिया है। ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो गए हैं, अब बस छोटे मोटे काम रह गए हैं जो मेरे करने हैं। और आप लोगों के समर वेकेशन कैसे चल रहे हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कहाँ कहाँ आप लोग घूमने गए और कैसी थी वो जगह वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मेरे तो सारे समर वेकेशन वहाँ से पैकिंग में और यहाँ से अनपैकिंग में निकल गई है, बाकी जो रेस्ट ऑफ डेज बचे हैं वो सारे बच्चों की हॉलीडे होमवर्क कराने में निकल जाएंगे। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आई नो छोटा सा था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर दीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर मेरे चैनल के लिए कोई सजेशन आप लोगों का हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।